आज हम सब इधर एक श्रद्धांजलि के लिए अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आमतौर पर पिछले कुछ सालों से आज का दिन सुबह अटल जी का स्मारक के लिए हम सुबह सुबह उनके स्मृति चिन्ह जहाँ है वहाँ जा कर के उनका श्रद्धांजलि देते थे। मैं रास्ते में आने के समय मैंने धर्मेंद्र जी से ये कहा कि इस बार मैं सुबह जा नहीं सकी, मगर इधर आप सबके सामने माननीय अटल जी का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मौका मिला। मगर साथ साथ कुछ ही दिनों पहले कटक के मेयर जो थे, पहले पूर्व मेयर निवेदिता जी का देहांत होने के बाद आप इधर पार्टी के ओर से आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी रखा है। उसमें भाग लेने का मुझे सौभाग्य मिला और श्रद्धांजलि भरपूर मन से उनको मैं अर्पित कर रही हूं। महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा संपत्ति है, क्योंकि जहां मैं थोड़ा कम जो माननीय धर्मेंद्र जी का बातों से समझ पाई, घर घर जाकर के महिला कार्यकर्ता और नेम भी सबका लिए नामों के साथ वो बात बोले, उस श्रेणी में सबको प्रेरणादायक एक नेत्री निवेदिता जी थे, अग्रसर थे। और उनके बारे में जब मैं अपराजिता जी से बात भी कर रहे थे, वो एडवोकेट भी थे और एमएलए भी थे। एमएलए जब थी उस समय ही कॉरपोरेटर के चुनाव जीती और मेयर भी चुनकर सबके सामने एक प्रेरणादायक लीडरशिप उन्होंने सामने दिखाया। और अपराजिता जी का कहना था कि वो बहुत ही टफ लीडर थे, साथ साथ वो सबको सपोर्ट भी करते थे, सबको ये भी डरने का आवश्यकता नहीं है आप काम करो, ऐसे प्रेरणा देते थे। मैं मानती हूं उड़ीसा में आज जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, बहुत सारे महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में हैं, इसलिए मुझे याद भी है पिछले बार मैं जब आई थी इधर एक बड़ा सा महिला सम्मेलन भी पार्टी की ओर से किया। महिला नेतृत्व जब मिलता है एक पार्टी को और उससे जब प्रेरणा मिलता है कार्यकर्ताओं को, जैसे हम हमारे समय अटल जी के साथ में काम नहीं किया, मगर उनका भाषण पार्लियामेंट में या कोई पब्लिक मीटिंग में वो जितना प्रेरणादायक थे और उनके भाषा का ताकत जो थे, उतना ही मैं सुषमा जी जैसे महिला नेतृत्व, उससे पहले राजमाता जी भी थे, फिर इतने सारे चीफ मिनिस्टर जो थे, वसुंधरा जी अभी भी राजस्थान में बहुत बड़ा नेता है, उमा भारती जी भी थे और अभी आज भी उमा भारती जी एक्टिव भी रहते। महिला नेतृत्व जब सशक्त नेतृत्व सामने उभर कर आती है, उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं मानती हूं उड़ीसा में भी निवेदिता जी के लीडरशिप क्वालिटीज के साथ उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एज अ मेयर उनके कैपेसिटी आप सबके सामने एक प्रेरणा के रूप में हुआ करता था। शायद उस समय आप सब
यू वे इम्प्रेस्ड बाय दैट काइंड ऑफ लीडरशिप. सो आज मुझे इस शाम में वरिष्ठ नेता हमारे अटल जी का भी और निवेदिता बहन का भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला. उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा के यूनिट के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ.